बार चल दुनिया नहीं ये बबल। माजी मैमोसा आज वो हमारे प्यारे पापा जी ने ईद के कपड़ों के पैसे भेजे हैं। मौला खुश रखे पागल के मुझे पैसे दे दो, पहले मैंने इफ्तारी करनी है तो फिर मैंने वो करना है। वो क्या? आराम? नहीं नहीं आराम नहीं, वो जिसके बाद बंदा थक जाता है। आप क्या करके थकती हैं माँ जी, सारे बर्तन तो मैं धोती हूँ इफ्तारी के बाद। ओ चलो तुम छोड़ो यार, तुम पैसे दो जो पापा जी ने भिजवाए ईद की शॉपिंग के। हाँ 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 शॉपिंग 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 करूंगी, जल्दी से पैसे दे मुझे। ये तुम्हारे लिए और ये आपके लिए। यार जानू 5,000 रुपया सिर्फ? इतने तो मैं फकीर को देके वापस ले लेता हूँ। वापस क्यों भाई? मैं मुसाब उसके पास खुला नहीं होता ना, तो इसलिए यार पूरा 5 थोड़ा दूंगा उसको। अरे इतनी महंगाई हो गई है खूबसूरत, 5,000 में तो कुछ भी नहीं आएगा यार। और ये जो तेरे हाथ में इतने सारे नोट है ये किस लिए? ये मेरे ईद के कपड़ों के लिए माँ जी। क्यों, तूने इस बारी 10-12 जोड़े बनाने इतने पैसों से? नहीं माँ जी, ये तो सिर्फ 1.5 लाख है, एक ही जोड़ा बनेगा। जानू तुम 1.5 लाख रुपए का एक जोड़ा बनाओगी? वो मेरे तो पूरे साल के कपड़े आते हैं जानू, ये फजूल खर्ची है। इन पैसों पर गरीबों का हक है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अच्छा कौन से गरीब? मैं बहुत गरीब, मेरा पुत्र नशई है तो मेरा मियां भिखारी है। क्या मुमताज, ये पैसे मैं आप लोगों को नहीं दे सकती क्योंकि मेरा एक डिजाइनर फ्रेंड आ रहा है पेरिस से, बहुत बड़ा डिजाइनर है और मेरे लिए एक्सक्लूसिव ईद का जोड़ा तैयार कर रहा है, ये पैसे उसको देने। इसलिए आप लोग अपने अपने पैसे लें और प्लीज मुझसे कोई और पैसे मत मांगे। रुक रुक फिरजाना, मुझे 1.5 करोड़ वाला जोड़ा बनाना है भाई। ओ मैं मुसाब यार ये दे मुझे 5,000 यार। आप एक काम कीजिएगा, अपने कमरे का पर्दा उतारिएगा, उसका कुर्ता बनवा लीजिएगा यार। ऐसे क्या देख रहे हैं, आपका इतनी कुर्बानी देना तो बनता है ना एज ए फादर। वो जो मैंने देनी है वो कुर्बानी है। माँ जी आप ही दिखाइएगा तो जाली तो नहीं। 1, 2, 3, 4, 11, 12 मोमो, अरे ये क्या तुमने नोट फैला रखे हैं भाई? बड़े वो हैं। देखो मोमो, रोजे में ज्यादा फ्री मत हो तुम। मैं तो आपको वो कह रही हूँ, वो जो मस्जिद के बाहर होते हैं ना, जो जो चप्पल चुरा के ले जाते हैं। नहीं नहीं वो जो चुरा के नहीं, मांग के लेके जाते हैं। मांग के तो फकीर लेके जाते हैं मोमो। हाँ बड़े फकीर हैं आप, आपके वॉलेट से सिर्फ 2,000 रुपए निकले। मोमो तुमने मेरे वॉलेट से पैसे चुराए, वो भी रोजे में? हद होती है भाई। हाँ चुराए मैंने पैसे क्योंकि मुझे शुमैला की तरह 1.5 लाख का जोड़ा बनाना है। लाए 1.5 लाख? अरे मैं कहाँ से लाऊं 1.5 लाख रुपया भाई, मेरी तो इतनी पेंशन भी नहीं है और इतना महंगा जोड़ा बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई अच्छा सा सस्ता सा जोड़ा बनवा लो भाई, तो तुम्हें किसने देखना है? रईस ने। कौन है ये रईस? मेरा शौहर रईस, और कौन? अरे तुम्हारा शौहर मैं हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। रोजे में मैं पहले ही बहुत खा गया, मेरा दिमाग मत खाओ तुम। चलो जाओ जाओ जाके कोई अफतारी के लिए अच्छी सी चीज बनाओ। है नहीं है? मुझे भी तो मत समझेगा, 1.5 लाख का जोड़ा चाहिए। क्या कर रही हो मम्मा? अरे तू तंग कर रही हो, एक रोजा लग रहा है ऊपर से तुझे अपने दिमाग साथ दिया। चुप करो चुप करो यार, तू चुप कर, मैं नहीं चुप करती, मैं पैसे दे देने। या अल्लाह मेरे सोने रब्बा, या अल्लाह इन भुखे किराएदारों से मेरी जान छुड़ा दे और इनकी जगह कोई खुशहाल मासूम किराएदार भेज दे। या अल्लाह मैं गुड़ वाले चौलों की पूरी 10 किलो की देख दूंगी, नहीं 10 किलो ज्यादा हो गया, 5 किलो की तो जरूर दूंगी मैं देख। हाय हाय माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हाय कितनी नूरानी लग रही है बाजी को जी। ओए जोजी बोल जोजी, नूरानी क्या होनी होगा मुंह मेरा, रोजे में ना मैंने किसी की कोई बुराई की है ना सुनी है, कन्नों पे तरोपे ला के सी लिया मैंने, ना गीबत की ना सुनी। अच्छा
तुझे पता है ना मेरी बहू जो शकीला है। नहीं, तेरी बहू तो खूबसूरत है। और तुम सब लोगों ने खूबसूरत खूबसूरत कह के ना उसे सर पे चढ़ा दिया है। जब तो 1 लाख का जोड़ा बनवा रही है वो। ओए मैं मर गई, 1 लाख का जोड़ा। हाँ, उसके पापे ने भेजे 1 लाख जोड़े के वास्ते। बड़ी मीसनी है तेरी बहू है, इतना पैसा दबा के बैठी हुई है। ये नहीं कि पिछले दिनों जो टैंकर पवाया था उसका पैसा ही दे दे, या फिर यह कि अगले महीने का किराया एडवांस दे दे। पर ना, अब ईद पे उसने हमें मुंह नहीं लगाना, देख लेना। मुमताज, मैं तो कहती हूँ तू इनकम टैक्स वालों को फोन कर दे, आके उसका जोड़ा ईद से पहले ही जब्त कर लेंगे। ओए नहीं, जोड़ा हले बनिया नहीं है, उसका कोई दोस्त आ रहा है पिंडों। हाँ, फिर वो बनाएगा जोड़ा उसका। पिंड से? अच्छा, दर्जी होगा। चल आने दे आने दे, हम भी अपने जोड़े सवा लेंगे उससे। पर वो बड़े ज्यादा पैसे लेता है। वो तेरी बहू का जानने वाला है दर्जी, पैसे कम करा लेंगे, तू क्यों फिकर करती है। मैं हूँ ना जो जी। बस फिर मैंने भी मेरा खान जैसा ना लहंगा बनवाना ईद पर। और मैंने सभा कमर जैसा, वैसे भी मुस्तकीम जो है ना कभी कभी ना मुझे सभा कमर से मिलाते हैं। ओए मेरा मुस्तकीम तेरी तारीफें क्यों करता है, गिच्ची मरोड़ देनी है मैंने उस आदमी की। मुस्तकीम मेरे मियाँ का नाम है मुमताज। तो फिर मेरे मियाँ का नाम क्या है? तेरे मियाँ का नाम है बड़े मुंह वाला महमूद। बड़े मुंह वाला महमूद, बड़े क्या किड़ा? मुंह वाला महमूद, मुंह वाला महमूद। जी फरमाइए, नाचीज को मुस्तकीम कहते हैं। कौन नाचीज? जी हम, और कौन? ओ, तो आपका नाम नाचीज है। नाइस टू मीट यू मिस्टर नाचीज। जी हमारा नाम तो खैर मुस्तकीम है, आप अपनी तारीफ फरमाइए। मेरी तारीफ तो सारा पेरिस करता है। अबे अपना नाम, माफ कीजिए, अपना नाम बताइए। ओ, आई एम ए बी। अरे भी ये क्या नाम हुआ ए बी? लगता वालदैन ने जल्दी जल्दी में ये नाम आपका रख दिया है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मेरा पूरा नाम है अमीन भट्टी और लोग प्यार से मुझे ए बी कहते हैं। जी हमारा नाम मुस्तकीम है, लोग प्यार से हमें कुछ भी नहीं बुलाते। आप चाहें तो हमें मोमी बुला सकते हैं, मोमी। मगर मैं आपको प्यार से क्यों बुलाऊंगा, और मुझे तो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं आ रहा है अंकल। अंकल क्या मतलब भाई, रोजे की हालत में इतनी देर से हम आपके साथ सीन कर रहे हैं और आपने डायरेक्ट हमें अंकल ही कह दिया। गजब खुदा का, अब हम आपको बिल्कुल भी चंदा नहीं देंगे, जाइए यहाँ से। एक्सक्यूज मी, मैं चंदा मांग ही कर रहा हूँ। अच्छा, तो गालिबन आप खैरात और ज़कात मांगने आए होंगे। देखें मैं अच्छे घर का हूँ। अरे भाई इस महंगाई ने अच्छे खासे लोगों की चीहे निकलवा दी, एक मिनट रुकिएगा, ये लीजिएगा। अरे भाई मैं कोई मांगने वाला नहीं हूँ, बल्कि मशहूर डिजाइनर हूँ और खूबसूरत से मिलने आया हूँ। ओहो, तो यूँ कहिए ना, कमाल कर रहे हैं आपने, इधर उधर की बातों में उलझा रखा हमें। आइए तशरीफ लाइए ना, आइए प्लीज आइए। खूबसूरत से मिलने आए हैं। अच्छा तू है। हाँ भाई कैसा चल रहा है तेरा काम? रमजानों में तो बड़ा लोड होता होगा काम का। है नॉट मच आंटी, मेरी टीम काफी बड़ी है। अच्छा कितनी दुकानें हैं वैसे तेरी इधर उधर? वैसे ना मेरा दर्जी जो है वो एक सूट के लेता है 2000 रुपए, पर तू डिस्काउंट के बाद 1500 कर देना, खूबसूरत का दोस्त जो है। Are you crazy आंटी, मैं कोई दर्जी नहीं हूँ, I am a designer, next week पेरिस में शो है मेरा। अच्छा तू कपड़े नहीं बनाता? जी बनाता हूँ। वो तो दर्जी हुआ ना, जरा हमारे जमील मास्टर से चंगे कपड़े बना के दिखा तो तुझे मानू। चल ठीक है 2 जोड़े दे दूंगी, पर 1500 से ऊपर 1 पैसा नहीं देना मैंने। ओह माय गॉड, खूबसूरत के साथ तो बिल्कुल मैड है, बेचारी खूबसूरत कैसे रहती है उनके साथ। ए बी भाई, ये जो खूबसूरत है ये हमारी बहू नहीं है, ये तो ऊपर रहती है। What? तो आप लोग इतनी देर से मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे थे? ओ जल्दी जा, फ्लाइट तो 3 घंटे पहले लैंड हो चुकी है, पता नहीं ये भी कहाँ रह गया है। मुझे लगता है जानू सीढ़ी से मिलने गया होगा, और हो सकता है वो दोनों जेजे से मिलने चले गए, फिर नहीं आते वो वापस। हेलो 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 खूबसूरत। हेलो एबी, तुम बिल्कुल चेंज नहीं हुए, और तुम भी पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। सामने खड़ा हूँ, बड़ा ही बदतमीज बॉडीगार्ड है तुम्हारा। जानू इसे बताओ यार मैं कौन हूँ। ये नबील है, और मैं खूबसूरत का शौहर हूँ। सो सैड। क्यों भाई, मैंने तुम्हें को मौत की खबर दी है।
ये मेरा दोस्त है एबी, लाहौर से आया है और पेरिस जा रहा है। बहुत बड़ा डिजाइनर है, ईद पे मेरा जोड़ा यही डिजाइन कर। हाय पेरिस, पुत्र मुझे भी नाल ले जा, मैं ना पाटे वाले जो कपड़े होते हैं उसे बड़े अच्छे तरोपे लगाती हूँ। भाई मुझे लेके जाओगे तुम्हारा फायदा ही फायदा है, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े बिकवा देने, मुझे बहुत तजर्बा है। क्या बेचने का? मंजन बेचने का। नबील मेरा भी तो बताओ ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। महमूद साहब जो है ना वो मैनिकन बन के खड़े हो जाएंगे और पेरिस में इतने बड़े मुंह वाला मैनिकन किसी ने नहीं देखा होगा। नबील अगर मेरा रोजा नहीं होता ना तो मैं अभी तुम्हें मजा चखाता। भाई रोजे में मैं कुछ नहीं चखता, बाद में देख लीजिए। गॉड इनको छोड़ो, चलो मैं और तुम आराम से चल के बात करते हैं। हाँ चलो चलो, एक्सक्यूज मी, मेरा बैग ना गेस्ट में रखवा दीजिएगा। मैं रखवा ही ना दूं तुम्हारा बैग। चलो चलो साहब, जो तुम्हारा काम है साहब करो। ऑपरेशन। यू नो एबी, मैं इस बार ईद पे कुछ डिफरेंट पहनना चाह रही हूँ। सिंपल हो लेकिन क्लासी भी हो। यू नो मेरा स्टाइल थोड़ा एलिगेंट सा है ना। आई नो यू नो व्हाट, आई थिंक आई हैव अ परफेक्ट आउटफिट फॉर यू। जीडी यस बताओ मुझे जल्दी। ओए पुत्र एबीसीडी। एक्सक्यूज मी, आई एम ए बी ओके। अच्छा पुत्र ए बी ओके, एल एम एन ओ पी क्यू आर। अरे मोमो बस भी करो यार, क्या पूरी ए बी सी डी सुनाओगी? अरे जो बात करने आई हो वो करो। हाँ बात तो जी हमने करनी है। क्या बात करनी है आप लोगों को? जानो हम ये सोच रहे थे कि तुम्हारा ये जो डिजाइनर दोस्त है जब ये आ ही गया है तो हम भी अपने कपड़े इससे सिलवा लेते हैं, इसका कुछ फायदा हो जाएगा। अजीत ने हाथ सोच विचार के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम अपनी ताजा नजम अपनी शेरवानी पर कढ़ाएंगे और वो भी सुनहरी जरी के साथ। आप सबको ये मालूम है कि ए बी एक आउटफिट के कितने चार्ज करता है? डिस्काउंट के साथ बताना, डिस्काउंट के साथ। देखें आप लोग खूबसूरत की फैमिली से है ना, तो सिर्फ 80-90 हजार। ये चीज मेरे अजीज थोड़ा सा तो एक्सपेंसिव है लेकिन 80-90 हजार में सबके कपड़े बन जाएंगे। एक्सक्यूज मी, सबके कपड़ों के नहीं, एक आउटफिट के 80-90 हजार। छड़ ना तेरी ना मेरी, बस तू ऐसा कर एक जोड़े का 5 हजार ले लेना। डन का, डन का। देखें देखें पैसों का ना बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले आप लोग ये बताएं कि आप लोगों ने बनवाना क्या है। खामोश, मैं वन बाय वन सबसे पूछ लूंगा, लेकिन पहले ना मुझे एक ग्लास पानी पिला दे प्लीज। ओए तेरा रोजा नहीं है? मैं ना सफर में हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने नहीं रखा। अरे वो सब तो ठीक है पर तुम में इतनी तो शर्म होनी चाहिए यार कि तुम रोजेदारों से पानी मंगवा रहे हो। अरे जाओ ना अंदर बबरची खाने में जाके खुद पी भर लो। चल पुत्र पानी पीने जा ही रहा है तो वो जो उधर छोटा जहा जग रखा है ना उसमें लाल रंग का शरबत बना के फ्रिज में रख देना, अफतारी तक मई ठंडा यख हो जाएगा। जी भाई मुँह ना डिंगा कर, चल शाबा चेती जा। जानू इस बार ना हमने मैचिंग करके कपड़े बनवाने ईद के, ताकि लोगों को पता चले कि हम में कितना प्यारा है। आइडिया कैसा है? बहुत बुरा, सो प्लीज शट अप। ओ जानू प्लीज यार, इट्स नॉट ओके यार। ऐसी मैचिंग हुई है। देखो भैया भी इस ईद पे मैं कुछ ऐसा पहनना चाह रहा हूँ कि लोग मुझे देखें पहले परेशान हो, फिर हैरान हो और फिर दौड़ दौड़ कर आके मुझसे ईद मिले। नबील तुम कुछ भी पहन सकते हो। देखो ये भी तुमने सबसे ज्यादा एफर्ट मेरे कपड़ों पर करनी है ना। क्यों जानू, मेरा दिल नहीं है, मेरे जज्बात नहीं है कि मैं अमीरों वाले कपड़े पहनूं। 1 करोड़पति आदमी का दामाद होने के बावजूद मैं लुंडे से कपड़े लेके पहनता हूँ। Oh, so sad. वैसे don't worry, मैं कुछ ना कुछ डिजाइन कर ही दूंगा तुम्हारे लिए। अमीरी छलकनी चाहिए मेरे कपड़ों से, अमीरी। तुम एक काम करो, सोने की तार से वो जो है वो कढ़ाई करो मेरे कुर्ते पे और बटनों की जगह जो है ना वो डायमंड कीमती पत्थर लगाओ। माँ जी और महमूद साहब तुम्हें बेच कर आ जाएंगे नबील। जानू वैसे बात तुम्हारी ठीक है। नहीं नहीं नहीं, रहने दो भाई, सोना और ये कीमती पत्थर रहने दो भाई, ऐसा ना हो ईद की नमाज पढ़ के आ रहा हूँ को गन पॉइंट में मेरा कुर्ता उतरवा ले, मैं खादी पजामे समेत आ रहा हूँ। मैं सोने और चांदी के बगैर भी बहुत अच्छे कपड़े डिजाइन कर सकता हूँ, सो रिलैक्स। खूबसूरत मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मेरा रोजा नहीं है ना। ओह आई एम सो सॉरी एबी, एक्चुअली सबका रोजा है ना तो कुछ खाने को नहीं है और इफ्तार से पहले तुम कुछ ऑर्डर भी नहीं कर सकते। लेकिन जानू बाहर से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना। ये लो भाई 1000 रुपया लो। नहीं नहीं पैसे हैं मेरे पास। और रख ना मेरी जान, रख।
जब तू खाना खा लेगा ना बाहर से, तो वापसी पर एक काम करी, पकौड़ों के लिए बेसन, सब्जी वगैरह, भिंडी और क्या नाम है उसका, पालक वगैरह, इस तरह की चीजें लेता हूँ। हाँ, और ये पर्ची भी रखो, ये तुमने करना ये है कि वो जो गली के नुक्कर पे वो ड्रैगलिन वाला ना, उसको कपड़े दिए वो लेते आना। और हाँ, याद आ गया यार, वो जो मस्जिद है ना, मस्जिद के कॉर्नर पर मोची बैठा होता है, उसको मैंने चप्पल दी हुई थी ठीक करने के लिए, वो भी लेता है। लेकिन इतना सब कुछ मैं याद कैसे रखूंगा? अरे यार, बड़े ही तुमने कमे हो यार, इसीलिए इसी दिन के लिए मैंने लिस्ट बनाई हुई थी। ये ना, इस लिस्ट पे मैंने सारे काम लिख दिए, ये देख, एक एक काम करता जा और उसको टिक लगाता जा। चल मेरा भाई, निकलो और चल ना यार, निकल ना यार। अरे भाई, इतनी गुफ्तगू, इतनी बातें, जानू वैसे एक आपस की बात है यार, तुम्हारा दोस्त जो ना बड़ा ही काम चोर है यार। शट अप नबील, सूखे जानू, सूखे। अरे हजरत, ये क्या उठा रखा आपने? बाखुदा, हम रोजे की हालत में ना होते तो शायद आपसे ये सामान पकड़ लेते। वैसे ये है क्या? जी, इसमें कुछ कपड़े हैं, चादर हैं और पकौड़ों का सामान। अच्छा, तो बात ये है कि पेरिस में आप पकौड़ों की दुकान खोलना चाहते हैं, यानी बात करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। एक्सक्यूज मी, सामान मेरा नहीं, ऊपर वालों का है, उन्होंने इफ्तार के लिए मंगाया है। भाई, ये तो सरासर ज्यादती है। वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे यही तो ज्यादती है भाई, हमें किसी ने बताया ही नहीं कि आप सौदा सुल्फ लेने जा रहे हैं, हम अपनी लिस्ट भी आपको पकड़ा देते। क्या? आप ऐसा कीजिए, आप ये हमारा सामान ले आइएगा और ये हम ऊपर पहुंचा देते हैं। अरे कम से कम एक गिलास पानी तो पिला दें। क्या मतलब? यानी रोजेदार से पानी मांगते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? अरे पानी को छोड़िए, आप डायरेक्ट हमारे साथ इफ्तारी कीजिएगा शाम को। ये लीजिए सारा सामान। तनिया तो तू लाया नहीं है। चल कोई नहीं, खैर मेरे साह ले ले, फिर चले जाना दोबारा। देखे आंटी, मैं एक जाना माना डिजाइनर हूँ। वो तो मैं तुझे तब मानूंगी जब तू मेरा लहंगा बिल्कुल वैसा बनाएगा जैसा सबा कमर ने उस ड्रामे में पहना था। जी जी आंटी, मैं समझ गया, आप कलर बताएं। कलर मुझे चाहिए थोड़ा गुलाबी, थोड़ा नीला, थोड़ा पीला, थोड़ा सा बीच में नारंगी भी हो और हरा भी हो जरूर। आंटी, लहंगा बनाना है या गोलाकंड? देख पुत्र, बड़कीला चमकीला बनाना है तूने मेरा जोड़ा। खूबसूरत मोमो मेरे साथ खड़ी हो ना तो मैं दूर से नजर आ जाऊँ। जी जी, आप तो चांद से भी नजर आ जाएंगी। सच्ची? अच्छा तू मेरा पुत्र, एक काम कर, फटाफट से ना सब्जियां काट दे। सब्जी? मुझे सब्जियां काटना नहीं आती, और मैं सब्जी कैसे काटूंगा? कैसे काटूंगा क्या मतलब है तेरा? है गले नहीं काटता कुर्ते के, पजामे, बाजू, ये सारे जैसे काटते वैसे कटते हैं ये भी। जा काट सब्जियां, शाबाश। ना बोला ना तो तेरी लत्ता पा देनी है, मैंने पहले अपनी पहनते सी। चल जा, खुश। मुझे रेशमी धागे की कढ़ाई चाहिए, दस्तकारी चाहिए। हाँ, जैसे बाजी खानदा भरे भरे कपड़े पहनती थी ना। मुमताज, और शलवार कैसी चाहिए आपको? शलवार तो मैं पहनता ही नहीं हूँ। अरे पजामा पहनता हूँ ना यार मैं। लेकिन ईद वाले दिन मैंने धोती पहनी आली इमरान की तरह, वो भी तो किसी को कॉपी करता ही है ना। अच्छा मोमो आंटी, आप बताएं। और मेरा ना
जबरदस्त फर्शी गरारा चट्टा पट्टी वाला और जोजी से ज्यादा अच्छा होना चाहिए, नहीं तो मैंने तेरे पैसे काट लेने। ओके ओके, सारी चीजें ना मैंने नोट कर लिया है। ओ भाई, वो तूने किसी चीज पे लिखा तो है ही नहीं? वो मैंने दिमाग में नोट कर लिया है। वैसे भी अगर कोई कभी रहेगी ना तो मैं आपको वीडियो कॉल कर लूंगा पेरिस से, ठीक है? अरे वीडियो कॉल क्यों भाई, तुम वहां से हमें टिकट भेज देना, हम पेरिस आ जाएंगे। देखो ना, जो बात आमने सामने बैठ कर होती है ना, वो वीडियो कॉल पे तो नहीं होगी ना। अच्छा अच्छा, आप अपने मेजरमेंट दे दीजिए, आप इधर आइए। अरे आप सीधे हो जाइए। मैं अभी आपके ऐसे रहिएगा, ये ऐसे। अरे ये दबा दे, दबा दे थोड़ा सा कंधा मेरा। लेकिन मेरी माँ को गुजरे हुए 5 साल हो चुके हैं आंटी। चुप है, मैं अपनी बात कर रही थी। ये तूने ये वाले पैर दबाने, मैं तेरी माँ नहीं हूँ जी। आप लोगों ने मुझे बुला लिया, अभी तो 2 घड़ी आराम करने बैठा था मैं। अरे चुल्लू, तुम किस किस्म के इंसान हो भाई हैं? एक तो तुमने रोजा नहीं रखा, ऊपर से तुम सुस्ती दिखा रहे हो। अरे हमारी तरफ देखो, देखो बेगर, देख ही नहीं रहे हो? देख रहा हूँ। हाँ, हमने रोजा भी रखा हुआ है और हम कितने एनर्जेटिक हैं। ये चीज, ये चीज। और हमने बातें करने के लिए नहीं तुझे बुलाया, बिजनेस डिस्कस करने के लिए बुलाया है। हाँ जी। बिजनेस? कैसे बिजनेस? मैं और महमूद साहब तुम्हारे कारोबार में पैसा लगाना चाहते हैं। वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम खूबसूरत के दोस्त हो, वरना ये इन्वेस्टमेंट जो है ये हम राणा रिजवान के साथ दूरी के बिजनेस में भी कर सकते हैं। हाँ, लुक, आई एम टोटली फाइन, मुझे आप लोग की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अरे भाई, तुम खूबसूरत के दोस्त हो, टैलेंटेड भी हो, घर की बात है ना यार। ये पकड़। ये पकड़ लाख। ये क्या, 10,000? इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट, जरा ध्यान से। हाँ, तुम इन पैसों के बदले अपनी कंपनी के 10% शेयर हमें दे दो। मेरा ब्रांड लाखों में कमाता है। हाँ वही तो, अब हमारे आने के बाद करोड़ों कमाएगा, करोड़ों। ABCD पुत्र। थैंक गॉड। अच्छा, इसमें ना बाद में बात करते हैं। ओए 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 चुरलू, ओए मुरलू। यार महमूद साहब, इसको घेरना पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने काम करने तो सिर्फ और सिर्फ पेरिस में करना है। है वो जो तुमने पेरिस में करना है वो काम है जी। छेती छेती सफाई कर, ये क्या मरे मेरे हाथों से कर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे तूने भी रोजा रख लिया है। कर तो रहा है बेचारा, तू तो पीछे ही पड़ गई है मुमताज इसके। ए भी पुत्र, वो मैं ना ये कह रही थी कि तू ना मुझे भी अपने साथ पेरिस ले जाना। हाँ, मैं भी मैं शान वाले लीजे की रोड जो है वहाँ से आइसक्रीम खाऊंगी। आप दोनों का क्या काम है वहाँ? उत्तर मुझे ना सिंधी कढ़ाई आती है। फिर ओए तू करती रहना अपने अन्नेपन में कढ़ाइयां छढ़ाइयां, मैं तो मॉडलिंग करूंगी, मॉडलिंग। ले, वो तो मैं भी कर सकती हूँ, बल्कि अभी अभी तुझे करके दिखाती हूँ। क्या हो रहा है माँ जी? जो जी आंटी, आप लोगों का रोजा है? पुत्र ये ना हमें मॉडल लेना चाह रहे हैं अपने कपड़ों के लिए, तो हमने जरा करके दिखा दिया भाई। आप लोगों ने इफ्तारी नहीं बनानी? हाँ ये है ना, ये भी पुत्र, इसका तो वैसे भी रोजा नहीं है। चल मेरा पुत्र जाके फटाफट इफ्तारी बना। और इफ्तारी बनाने के साथ साथ वो जो गंदे बर्तन पड़े ना वो भी धोने तूने, वरना इफ्तारी के बाद ना और बर्तन जमा हो जाने। चलो चल चल, आप लोग कह रहे हैं बेचारे। चल चल चल, ओए उठ यार, सॉरी। चल शाबाश शाबाश, निकल। मां जी चल यार, चल उस पार, चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे भाई ये भी कहाँ है? चलो हम लोग तो करते हैं ना, चलो।
भाई वाह वाह सुभान अल्लाह, बड़ा ही सलीका मन लड़का है। इफ्तारी ढक के रखी कि कहीं ठंडी ना हो जाए। लाओ ही लाओ, जल्दी करो। ये तो खाली है। अरे ये भी खाली है। वशा, ये भी खाली है। खत है इसमें तो। तुम लोगों ने सारा दिन मुझसे गधे की तरह काम करवाया, इसीलिए ना तो कपड़े डिजाइन होंगे ना इफ्तार मिलेगी। पानी और खजूर से रोजा खोलो, मैं चला पेरिस। चल यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते।